गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आई एम हर्षद विश्वकर्मा एंड टुडे आई विल डिस्कस द न्यू टॉपिक। जैसे कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे कंटिन्यूसली कमेंट कर रहे थे कि सर आपने जो टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को, और मैं बेसिक टॉपिक आप लोगों को बता देता हूँ जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे कि मैंने एक नाउन टॉपिक आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया हुआ था ग्रामर में, इसके साथ नाउन की मैंने जो एक्सप्लेन किए हुए थे पार्ट वन पार्ट टू, इट मीन्स अगर आप इस टाइप से, मैंने फोर पार्ट वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए स्टूडेंट्स। और अगर मैं इसके साथ में बात करूँ आप लोगों से कि मैंने ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स भी अपडेट कर रखे हैं, और ये जो टॉपिक है ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स सिर्फ सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड के लिए ही बेनिफिशियल है। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स आप लोगों के एक नहीं, हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बेनिफिशियल, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स आज का जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा ये टॉपिक होगा नरेशन। कौन सा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स? नरेशन टॉपिक होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जो नरेशन है मुझे बनाना नहीं आता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे नरेशन बनाने। तो स्टूडेंट्स आज मैं गारंटी ला रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों को आज के बाद कभी भी नरेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। याद रखिए इसको हमेशा कि आज के बाद आपको कभी भी नरेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं अगर बात करूं नरेशन की, नरेशन आता कहां कहां पर है, अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ में अगर मैं बात करूं, क्लास ट्वेल्थ में जो आपके यूपी बोर्ड में आता है वो नरेशन टू टाइप्स के आते हैं। दो क्वेश्चन आते हैं नरेशन के, नरेशन टू मार्क्स का आता है, दो क्वेश्चन आते हैं। याद रखिए हर एक बोर्ड एग्जाम में होता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, नरेशन हर बार आते हैं। कई बार ये फोर मार्क्स के आ जाते हैं, कई बार टू मार्क्स के आते हैं, बट डिपेंड करता है एग्जाम। जनरली अभी तक टू मार्क्स के आते रहे हैं। अगर मैं इसके पहले बात करूं, अभी क्या एक एग्जाम पेपर आने लगा यूपी बोर्ड में, तो वहां पर एक एग्जाम पेपर आता है तो फिर टू मार्क्स के आते हैं, बट इसके पहले क्या आता था, टू क्वेश्चन आते थे और फोर मार्क्स के होते थे। अब इसके साथ में अगर बात करूं, ये तो आपका हो गया यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यूपी बोर्ड ही क्लास ट्वेल्थ की, सॉरी यूपी बोर्ड में ही अगर मैं टेंथ की बात करूँ, किसकी क्लास टेंथ की बात करूं, तो क्लास टेंथ में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी दो क्वेश्चन आते हैं, जनरली कई बार एक क्वेश्चन भी आ जाता है, बट ये कन्फर्म है दो से चार नंबर के वहां पर भी आते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तो आपका हो गया यूपी बोर्ड की बात। अगर मैं वहीं पर बात करूँ सीबीएसई बोर्ड की स्टूडेंट, किसकी सीबीएसई बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड में जो एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट आते हैं वो आते हैं फोर मार्क्स के। कितने मार्क्स के आते हैं स्टूडेंट्स? ये आते हैं फोर मार्क्स के आते हैं। रीजन क्या होता है कि डिफरेंस सिर्फ नरेशन के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आते हैं ये डायलॉग के टाइप से आते हैं। नरेशन जो सीबीएसई बोर्ड में आते हैं वो डायलॉग के टाइप से आते हैं, वहीं पर अगर मैं बात करूँ यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में जो नरेशन आते हैं वो डायरेक्टली नरेशन दिया जाता है, डायरेक्ट, जिसे आप डायरेक्ट एंड भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स इस बात को। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा सीबीएसई बोर्ड के बारे में बता देता हूँ किस टाइप से आता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, अगर राम हाउ आर यू, हाउ आर यू, श्याम आई एम फाइन, इस टाइप से आपको डायलॉग फोर, इस टाइप से डायलॉग होते हैं टू थ्री एंड फोर, इस टाइप से आपको डायलॉग दिए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तो इस टाइप से डायलॉग होते हैं। अब इस डायलॉग को कैसे चेंज करना होता है, यहां से आपको राइट करना होता है राम आस्क्ड, ये मैं आपको चेंज करके बता देता हूं, नेक्स्ट में डिपेंड करेगा कि एग्जाम आपके एग्जाम में किस टाइप से आता है, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। राम हाउ आर यू, राम ने, राम आस्क्ड हाउ, अब यहां पे यू कौन है, श्याम, तो इसने यहां पे किससे पूछा हुआ, श्याम, तो यहां पे आप श्याम लिख सकते हो, और या फिर अगर आप चाहें तो हिम कर सकते हो, बट कॉमनली अभी दो ही लोग हैं, तो राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वॉज। तो ये चीज स्टूडेंट समझ में, इस टाइप से आपको इस सेंटेंस को डायलॉग में चेंज करना होता है, ये आता है सीबीएसई बोर्ड में। ये तो मैंने बात की टेंथ में भी आता है और कई बार ट्वेल्थ में भी आ जाता है स्टूडेंट्स। अब ये तो मैंने बेसिक बात करी आप लोगों की क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के सीबीएसई और यूपी बोर्ड की। अब इसके बाद में अगर बात करूं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में स्टूडेंट्स, गारंटी है अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट डिफेंस के लिए बात करूं, एयरफोर्स का एग्जाम अपीयर कर रहा है, नेवी का एग्जाम अपीयर कर रहा है,
या फिर एनडीए का एग्जाम अगर कोई भी फेस कर रहा है, इसके साथ में अगर बात करूं एसएससी का एग्जाम फेस कर रहा है, इसके बाद जो टेट के एग्जाम होते हैं, तो यूपी टेट हो या फिर कोई भी अदर स्टेट का टेट हो, उस टेट में भी दो क्वेश्चन आते हैं, हर बार दो क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं है, ये जो वीडियो मैंने आज का जो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो 9th-10th में पढ़ते हो, नई स्टूडेंट, मैं आज गारंटी ला रहा हूँ आप लोगों को, आज के बाद डायरेक्ट की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं श्योर करूँ। बस आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं एक एक स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, कैसे किस टाइप के नए नए रूल्स का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। आज मैं आपको गारंटी ला रहा हूँ, आप आज के बाद कभी भी नहीं भूलेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का जो नरेशन पार्ट होता है वो कितना इजी होता है। आप कभी नहीं कहोगे कि इतना टफ होता है, आप हमेशा क्या कहोगे, इजी होता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नरेशन। तो सबसे पहले तो नरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, जो नरेशन होता है ये है क्या, नरेशन का मतलब क्या होता है। कुछ लोग इसे स्पीच भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्पीच भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को इस वीडियो के लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सकें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल सकें। तो स्टूडेंट्स नरेशन को कुछ लोग स्पीच भी बोलते हैं। अब नरेशन होता क्या है पहले तो इस चीज को समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि सर नरेशन आप बता रहे हो, नरेशन होता क्या है, तो यहां पर आप इस चीज को समझिए, जो नरेशन होता क्या, देखिए नरेशन जो वर्ड है ये जो नैरेट से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, नैरेट से। याद रखिए जो नरेशन वर्ड है, सबसे पहले जो नरेशन वर्ड बना किससे है, नरेशन जो वर्ड बना है वो बना है नैरेट से, किससे बना है, ये बना है नैरेट से। और नैरेट मीन्स क्या होता है, किसी भी शब्द का व्याख्यान करना, किसी भी शब्द का व्याख्यान करना स्टूडेंट, याद रखिए किसी भी चीज की व्याख्या करें या बताएं, क्या किसी ने कुछ कहा है उस बात को बताएं, उसे क्या कहा जाता है, नैरेट करना। तो याद रखिए स्टूडेंट्स नैरेट का मतलब क्या होता है, किसी भी बात की व्याख्या करना, किसी भी बात की व्याख्या करना। अगर इसके साथ में बात करूं नैरेट, तो ये आपका कॉमन चीज हो गई, तो ये चीज आपको समझ में आई कि नैरेट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स नैरेट होता है, नैरेट का कॉमन सेंस हम अगर यूज करें तो नैरेट का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना, क्या होता है स्टूडेंट्स, व्याख्या करना। अब आप लोग बताइए किसी ने कोई बात कही, आप उस बात को कितने तरीके से व्याख्या कर सकते हो, या तो आपसे किसी बात को कहा गया, आप जैसा कहा गया वैसा ही आप या तो बोलेंगे, या फिर क्या होगा कि आप उसी बात को अपने वर्ड के अकॉर्डिंग बोल देंगे। थोड़ी सी बात समझिएगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा राज सेड, राज ने कहा, सपोज आपका फ्रेंड है कोई राज, और राज ने कहा है, राज सेड रवि इज अ प्लेयर, बहुत ही इजी सेंटेंस ले रहा हूं स्टूडेंट्स, किसी को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, याद रखिएगा। मैं गारंटी ला रहा हूं स्टूडेंट आज का लेक्चर देखने के बाद आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएगी, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। राज सेड रवि इज प्लेयर, राज ने कहा रवि एक प्लेयर है। अब आपका एक दूसरा फ्रेंड आता है, आपने कहा रवि, कोई राज है, उसने क्या कहा है, रवि एक प्लेयर है। अब वहां पे दूसरा जो कोई फ्रेंड है वो क्या कह रहा है कि राज ने कहा, राज ने कहा रवि एक प्लेयर है, राज ने कहा रवि एक प्लेयर है। अब वही बात जिससे उसने कही वो अपने शब्दों में दूसरे को बता रहा है, अपने शब्दों में क्या कर रहा है, दूसरे को बता रहा है, और उससे क्या कह रहा है कि राम ने कहा है कि, राम ने कहा है कि रवि एक प्लेयर है। ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स। तो यहां पे जब चीजों को हम डायरेक्टली कहें, जैसा दिया गया वैसा ही कह दे, कोई भी स्पीच किसी ने बोली इसी को स्पीच ही बोलते हैं, इसी, ये क्या स्पीच ही है, ये क्या, ये स्पीच ही तो है स्टूडेंट्स। तो ये जो स्पीच है, जब हम चीजों को डायरेक्ट तरीके से कह दें, जैसा है कॉपी करके वैसा ही लिख दें, तो वहां पर इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्पीच समझ में आई सभी को कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है।
इसके बाद अगर हम इसी सेंटेंस को चेंज करके लिख दें, राज सेड दैट, चेंज में जो चेंजेस होते हैं ये मैं आगे रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी आपको जितना मैं समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, आप कॉपी पेन रखिए तुरंत लिखते जाइए, और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कभी भी इसके बाद दोबारा डायनामिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक बार आप देख जरूर लीजिएगा, लेक्चर लास्ट तक जरूर देखिएगा। राज सेड दैट रवि वॉज अ प्लेयर, तो यहां तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स कि राज ने कहा रवि एक प्लेयर था। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए। इसके बाद में तो ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट, क्या हो गया इनडायरेक्ट नैरेशन, इसी को नैरेशन बोला जाता है और इसी को स्पीच बोला जाता है, बहुत से लोग इसको नैरेशन बोलते हैं, बहुत से लोग इसे स्पीच बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चीज क्लियर हुई। अब इसके साथ में एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बता, मैं थोड़ा सा इसको रेस कर लेता हूं, जैसे यहां पे मैंने मान लिया सुधाकर सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा दे आर गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, यहां तक समझिए। तो अब इसको समझते हैं कि किस पार्ट को क्या कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसी में भी रहते हैं, अरे सर हमें यही पता नहीं चलता है कि सर ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो स्टूडेंट आज मैं सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। तो सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं, ये जो पार्ट होता है आपका, ये रिपोर्ट कर रहा है, ये बातें बता रहा है, तो इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। समझ में आया, ये जो सेंटेंस है ये कहा जा रहा है, ये क्या है, ये कहा जा रहा है, तो ये अभी प्रोसेस में है, कॉमनली आप कह सकते हैं प्रोसेस में है, तो ये बात रिपोर्ट हो रही है, तो यहां पे इसने कहा, तो यहां पे ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। सेकंड, ये बात हो चुकी है, ये जो बात यहां पर दी गई है ये पूरी हो चुकी है, तो ये क्या हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, क्या हो गया रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, क्या हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच। अब इसके साथ में अगर बात करूं, यहां पे ये हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होगी उसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, उसे कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आया, ये जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है इसी की वर्ब को क्या कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ये जो बात हो चुकी है इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो स्टूडेंट्स ये बात आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस वर्ब को क्या बोला जाता है और यहां पे इस पार्ट को क्या कहा जाता है। अब बात आती है कि चेंजेस कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात आती है कि चेंजेस कैसे करते हैं। तो चेंजेस करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा स्टूडेंट्स, आपको स्टेप रख लीजिए, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ये सियोरिटी दिला रहा हूं आपको। और मैं आपको ऐसे ऐसे रूल बताऊंगा स्टूडेंट जो आपने हो सकता है नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है पढ़े ही नहीं हो सकता है कि नहीं पढ़े हो, तो ये आप स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसके साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर सर मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, देखिए आप लोग जब यूट्यूब पे देखते हैं, जब भी आप यूट्यूब पे वॉचिंग करते हैं, तो वहां पे मैं आप लोगों से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहा हूं, आप सिर्फ चाहें तो अपने टीचर्स की प्रेस के लिए, हाँ मैंने सर ने इतनी मेहनत की है और मुझे अच्छी लग रही है, तो सिर्फ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो न्यू व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। और कई बार पता है कि और
कि अगर आप ना जब नोटिफिकेशन आइकन जो होती है बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो जो YouTube है जल्दी से नोटिफिकेशन नहीं भेजते, इस बात को याद रखिएगा। वो क्या करता है, आप ऑल पे क्लिक नहीं करोगे, ऑल पे क्लिक नहीं करोगे नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करने के बाद, तब तक आपके पास हो सकता है नोटिफिकेशन ना आए, तो ऑल पे क्लिक जरूर किया करिए तो जिससे कि नोटिफिकेशन आती रहे। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको स्टेप बताता हूँ, सॉरी इसके बाद अब चेंजेस के थोड़ा सा आगे बताएं, चेंजेस का मेन चेंजेस करते कैसे, थोड़ा सा पॉइंट समझिए बस। चेंजेस करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच को चेक करना है, किसको रिपोर्टेड स्पीच को चेक करना है, चेंजेस जितने भी होते हैं वो किससे होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच से। तो स्टूडेंट्स अब मैं कुछ स्टेप लिखवा रहा हूं वो आप समझिए, इसके अलावा आपको और भी कुछ भी नहीं समझना है। तो फर्स्ट तो चेंजेस, हाउ टू चेंज, हाउ टू इसको चेंज कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं इसको, तो सबसे फर्स्ट स्टेप देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है चेंज इन पर्सन, चेंज इन पर्सन, पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है। सेकंड जो स्टेप होता है चेंज इन नियरनेस, चेंज इन नियरनेस। थर्ड क्या होता है, चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस। ये तीन पॉइंट होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, किसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। बहुत अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स, मैं गारंटी ला रहा हूं आज के बाद आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि सर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पर्सन चेंज करना भूल जाता हूं, सर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल चेंज करना भूल जाता हूं। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक रहेगा वो मैं अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा, चेंज इन पर्सन, पर्सन को चेंज कैसे करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और यहां पर मैं राइट करता हूं चेंज इन पर्सन। एक बार आप लोग बता दीजिए कमेंट करके सर वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है। तो पॉइंट जो है आप लोगों का वो है चेंज इन पर्सन। तो जो चेंज इन पर्सन है सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है क्लियर आ रहा है, जैसे कि मैंने चेक करवाया अभी टेक्निकल टीम से तो उन्होंने बताया हुआ कि वॉइस वगैरह सारी चीजें क्लियर है। तो अब यहां पे चेंज इन पर्सन देखते हैं, चेंज इन पर्सन सबसे पहले तो पर्सन होते क्या है इंग्लिश में, इंग्लिश में जो पर्सन होते हैं वो थ्री पर्सन होते हैं। अगर मैं बात करूं ये प्रोनाउन के चेंजमेंट, किसकी प्रोनाउन के पर्सन की बात हो रही है स्टूडेंट, प्रोनाउन के चेंजमेंट की बात हो रही है याद रखिएगा। और अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रोनाउन नहीं पता है तो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच की एक प्लेलिस्ट डाली हुई है, पार्ट ऑफ स्पीच की एक प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट को देख चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट ओपन करिएगा तो वहां से आपको पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो मिल जाएगी, स्टार्टिंग की जो वीडियो है वो देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। तो सबसे पहले तो ये जो बात हुई है पर्सन की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, पर्सन प्रोनाउन के जो पर्सन होते हैं इन्हें तीन में डिवाइड किया, कितने में डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स, तीन में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, ओके स्टूडेंट्स। तो यहां पे जो स्टूडेंट्स जो पर्सन है ये आपके थ्री पर्सन होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं, यहां पे ये मैं पर्सन राइट कर देता हूं और मैं थोड़ा सा कॉलम बना देता हूं थोड़ा जल्दी से। तो ये मैंने फर्स्ट पर्सन यहां से राइट कर दिया है और ये आपका सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है स्टूडेंट्स, और ये आज का सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसी को नॉमिनेटिव फॉर्म भी कहा जाता है, इसी का ऑब्जेक्ट फॉर्म है और इसी का ये पसेसिव फॉर्म है। चलिए
तो फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, बट मैं आज आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा आप स्टूडेंट कभी, इन्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा छोटी सी आप लोगों को, एक मैं स्टोरी सुनाऊंगा आप कभी भी नहीं भूलोगे स्टूडेंट्स, कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है, क्या आता है स्टूडेंट्स, आई और बी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही अगर मैं बात करूं, सी इट दे या फिर कोई भी नेम आ जाए, क्या आ जाए, नेम आ जाए, ये कॉमनली होते हैं। आई का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो होता है स्टूडेंट्स मी, बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही रहता है। इसके बाद मैं बात करूं मी के, आई के पॉसेसिव फॉर्म, एक तो माई होता है, अगर माई के सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज कराया जाता है तो माइन यूज कर सकते हैं। बी का एक अबर होता है और एक अबर्स होता है, योर का योर ही रहता है स्टूडेंट्स, ही के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, सी के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, इट के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट ही रहता है और दे के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है वो देम होता है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ये होता है, बट याद रखिए इसको यूज कहाँ करते हैं ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे इट्स होता है, इनका डियर और डियर्स होता है, इस चीज को समझिए। तो आज मैं आप लोगों को इन दोनों चीजों में डिफरेंस बता दूंगा, ये और ये दो, इनमें कहां पर माई का यूज करते हैं, कहां पर माइन का, कहां पर अबर का, कहां पर अबर्स का, इनका यूज कहां पर करते हैं। और मैं आप लोगों को पहले आप लोग कोशिश करिए इनको याद कैसे करते हैं कि आई जो होता है, आई का कौन सा पर्सन होता है, हो ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स को याद नहीं है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को याद होगा, लेकिन स्टूडेंट्स इससे भी आसान तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे याद करेंगे, आप चेंज कैसे करेंगे प्रोनाउन को, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग स्पीच के थ्रू चेंज होता है तो वो चेंज कैसे होता है, मैं गारंटी ला रहा हूँ स्टूडेंट आज आप याद करने की कोशिश करिएगा, कल मैं गारंटी ला रहा हूँ आप भूलोगे नहीं, मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको, एक स्टोरी सुनाऊंगा छोटी सी, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे इस बात को। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैं थोड़ा सा यहाँ से साइड हो जाता हूँ, आप लोग फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सो देट मैं यहाँ पे इंप्रूवमेंट भी कर सकूँ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ और इसके साथ मैं आपको आज का जो छोटा सा पॉइंट वो और बता देता हूँ, बस स्टूडेंट लास्ट पॉइंट और है आप लोगों के लिए, बस 2-5 मिनट मैक्सिमम और वेट करिए जिससे कि आपको एक नई चीज आज मिल सके। दो वर्ड जैसे मैंने यहां पर बताया आपको, माई और माइन, माई और माइन, ये मैंने आपको आज बताया है, यहां पर यह भी पॉजिटिव माना जाता है और ये भी पॉजिटिव ही माना जाता है, बट कौन सा किस टाइप से काम करता है इस चीज को समझिए। जैसे मैंने सेंटेंस बोला दिस इज पेन, दूसरा यहां पे मैंने यूज किया दिस पेन इज, अब आपके पास ऑप्शन है माई और माइन, माई और माइन, ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए ए मान लेता हूं और क्वेश्चन नंबर ये बी मान लेता हूं। स्टूडेंट फास्ट कमेंट करके बताइए कि किस फीलिंग में क्या आंसर, आपको कमेंट कैसे करना है, ए में अगर आपको लग रहा है कि माइन आएगा तो आप इस टाइप से लिख दीजिए, अगर आपको बी में लग रहा है कि माई आएगा तो इस टाइप से लिख दीजिए, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट वाले में क्या आएगा, सेकंड वाले में क्या आएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर राइट करिएगा, दोबारा से आप आंसर राइट करने के बाद चेक करिएगा कि मैंने क्या आंसर दिया और आपका आंसर क्या है। ओके स्टूडेंट राइट करिए फास्ट, वीडियो को पॉज करिएगा तभी आप राइट करिएगा। ओके तो स्टूडेंट्स अब इसको बताते हैं, दिस इज पेन, याद रखिए ये जो माई है, ये जो माई है ये आपका एडजेक्टिव का काम करता है, किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, याद रखिएगा। और ये जब दिस इज, ये पेन है किसका, मेरा पेन है, ये मेरा पेन है तो यहां पर यूज होगा ये माई यूज होगा, इसके साथ में अगर बात करूं दिस पेन इज माइन, यहां पर ये जो वर्क होगा ये आपका कंप्लीट सेंस रखता है, इसलिए यहां पर ये माइन का यूज काम करता है। तो स्टूडेंट समझ में आया कि अगर याद रखिए एक कॉमन थिंकिंग बता देता हूं कैसे याद करना है, अगर
माई ये जो इस टाइप से पसेसिव है, माई है, हर है, और हर से में से होता है, या फिर अवर या अवर्स में से होता है। तो ये जो पजेसिव फॉर्म होते हैं ये याद रखिए अपने आप में कंप्लीट सेंस रखते हैं, और ये जिस टाइप से ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ये अकेला किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता, याद रखिएगा। जैसे मैंने यहां पर बोल दिया माई इज पेन, या दिस माई पेन इज, इस टाइप से रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पे ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये जो पार्ट होगा यहां पर माई यूज होगा और यहां पर माइन। क्योंकि एक मेथड मैं बता देता हूं आप लोगों को, याद रखिए जब ये नाउन के पहले आएगा तो नाउन की क्वालिटी बताएगा ना। तो ये जो पेन है ये किसका है? मेरा है। ये जो पेन है किसका है? ये पेन मेरा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे माई फिल करना है और यहाँ पे माइन फिल करना है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा, आज का लेक्चर कैसा लगा। कल के लेक्चर में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मुझे पर्सन चेंज करने में प्रॉब्लम आती है। सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, ही सैड लिखा होता है, यहाँ पे मी लिखा हुआ है, ही सैड टू मी, कॉमन एंड कॉमन, यहाँ पर यू दिया हुआ है और यहाँ पे योर दिया हुआ है और यहाँ पे माई दिया हुआ है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है कि अगर मैं यू को चेंज करूं, सपोज मैंने यहाँ पे मी से चेंज किया, तो यहाँ पे मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि यहाँ पे यू आएगा तो यहाँ पे मी आएगा या फिर माई आएगा या फिर आई आएगा। तो ये चीज स्टूडेंट डिफाइन नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स कल मैं बहुत अच्छी स्टोरी बताऊंगा, याद रखिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और साथ साथ में नोटिफिकेशन जरूर बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि कल मैं जो स्टोरी आप लोगों को बताने वाला हूँ वो स्टोरी आप लोगों के पास जरूर पहुंचे, और जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो आपके नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, सो देट मुझे भी लगेगा हाँ मैंने आप लोगों के लिए चीजें अच्छी बनाई। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।